हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ये प्रश्न उत्तर जो बड़े हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। यहाँ पे लिखा है पाठ चार, प्रश्न एक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमने जो पिछली वीडियो में पढ़े थे वो छोटे प्रश्न थे, और हम जो आज पढ़ेंगे वो थोड़े से बड़े प्रश्न हैं, लेकिन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो प्रश्न क है, मीनू कौन थी। मीनू कौन थी, उसके कामों के बारे में बताइए। यानी कि एक साथ दो प्रश्न पूछे हैं यहाँ पे। पहला है मीनू कौन थी, तो हम इसका पहले उत्तर देंगे और इसका बाद में देंगे। तो उत्तर लिखा है मैंने, मीनू एक लड़की थी जिसकी उम्र 7 साल थी। वह अपनी बातों से सभी का दिल जीत लेती थी। यानी वो बहुत ही बातूनी टाइप की लड़की थी, उसको बात करना और उन अपनी बातों से दूसरों के दिलों को जीतना अच्छे से आता था। उसके घुंघराले बाल थे, है ना। गुड़िया के, फिर उनके कामों के बारे में, तो देखिए गुड़िया के चाय सेट की सफाई करना, बर्तन मांजना, रजाई गद्दों को धूप में डालना, और भी कई काम थे, ठीक है आदि। आया है समझ में प्रश्न। पहले मैंने इसका उत्तर दिया है, फिर मैंने इसका उत्तर दिया है। वापस से पढ़ा रही, देखो। मीनू एक लड़की थी जिसकी उम्र 7 साल थी। वह अपनी बातों से सभी का दिल जीत लेती थी। गुड़िया के चाय सेट की सफाई करना, बर्तन मांजना, रजाई गद्दों को धूप में डालना आदि, ये उसके काम थे। उसके बाद दूसरा है ख, मीनू माँ की साड़ियों के साथ क्या क्या करती थी। मीनू माँ की साड़ियों के साथ क्या क्या करती थी। यानी जब इसकी मम्मी और पापा चले जाते थे ऑफिस काम पे, तो वो क्या करती थी साड़ियों के साथ। तो उत्तर है, माँ की साड़ियों को बाहर निकाल कर पहन कर देखना। यानी उसकी मम्मी जाती होगी तो अलमारी या जिसमें भी कपड़े पड़े वो तो खुला पड़ा होता है, तो वो क्या करती थी मम्मी के जाने के बाद, सारी साड़ियाँ एक एक निकाल कर पहन कर देखती थी, और सारी सिलवटें तोड़ देती थी, सारी ख़राब कर देती थी बिखेर के। उनके पर्दे बनाना, यानी कि ऐसे ही सिल के नहीं, ऐसे ही मजाक में पर्दे बनाना, उन्हें झंडों की तरह लहराना आदि। कभी साड़ी को खुद पहनती थी, कभी साड़ी से पर्दे बनाती थी, और कभी झंडे की तरह लहराती थी। इस तरह से वो साड़ियों के साथ करती थी। उसके बाद है प्रश्न ग, मीनू की माँ ने उसको क्यों डांटा। मीनू की माँ ने उसको क्यों डांटा था। एक बार तो डांटा था जब उसने साड़ी ख़राब की थी, और दूसरी बार डांटा था ना वो वाला लिखना हमें। तो उत्तर है, मीनू दीपा मौसी और अपनी माँ की बात सुनने के लिए बार बार किसी न किसी बहाने से वहाँ आ जाती थी, जिससे उनकी बात अधूरी रह जाती थी। वो बार बार आ रही थी ना, कभी होमवर्क पूछने के बहाने, कभी चाय पूछने के बहाने, इस तरह से बार बार बात सुनने आ रही थी, इसलिए उसकी मम्मी और उसकी मौसी की बात अधूरी रह रही थी बार बार, इसीलिए उसकी मम्मी ने उसको डांटा। फिर है प्रश्न घ, दीपा मौसी को गलत काम पर सजा क्यों नहीं मिलती थी। दीपा मौसी को गलत काम पर सजा क्यों नहीं मिलती थी। उत्तर है, दीपा मौसी पाठ में मजाक कर रही थी, उनको भी सजा मिलती होगी। ऐसा थोड़ी होता है कि किसी को सजा नहीं मिली, सजा तो सबको मिलती है। तो वो तो पाठ में हंसाने के लिए मीनू को ऐसा बोल रही है, जबकि रियल में तो उनको भी सजा मिलती होगी ना। वो मीनू उदास थी ना, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। दीपा मौसी पाठ में मजाक कर रही थी, उनको भी सजा मिलती होगी। वो केवल मीनू को हंसाने के लिए ऐसा कह रही थी। समझ में आया उत्तर। इस उत्तर का अर्थ है कि जो पाठ में बताया है कि वो पेड़ पे चढ़ के पढ़ती थी, वो सब मजाक है। और वो मजाक क्यों किया, ताकि मीनू हंसे। मीनू उदास थी ना, तो उसको हंसाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा, जबकि ऐसा रियल में नहीं था। वास्तव में उनको भी सजा तो मिलती ही होगी। समझ में आया। चारों प्रश्न उत्तर बड़े हैं, लेकिन हैं ईजी, आपको समझ में भी आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे, ठीक है। एक बार वापस से, मीनू कौन थी। तो मीनू एक लड़की थी जिसकी उम्र 7 साल थी। वह अपनी बातों से सभी का दिल जीत लेती थी। फिर उसके काम,
तो गुड़िया के चाय सेट की सफाई करना, बर्तन मांजना, रजाई गद्दों को धूप में डालना आदि। रजाई गद्दे किसके? गुड़िया के। सेकंड है, मीनू माँ की साड़ियों के साथ क्या क्या करती थी? तो माँ की साड़ियों को बाहर निकाल कर पहन कर देखना, उनके पर्दे बनाना, उन्हें झंडों की तरह लहराना आदि काम करती थी। ग, मीनू की माँ ने उसको क्यों डांटा? मीनू दीपा मौसी और अपनी माँ की बात सुनने के लिए बार बार किसी न किसी बहाने से वहाँ आ जाती थी, जिससे उनकी बात अधूरी रह जाती थी, इसलिए माँ ने मीनू को डांटा। दीपा मौसी को गलत काम पर सजा क्यों नहीं मिलती थी? दीपा मौसी पाठ में मजाक कर रही थी, उनको भी सजा मिलती होगी, वो केवल मीनू को हंसाने के लिए ऐसा कह रही थी। क्लियर? मैंने दो बार समझा दी प्रश्न उत्तर और दिखा भी दिया आपको। अब आज का आपका होमवर्क है, ये पूरा पेज, चारों प्रश्न उत्तर आज का आपका होमवर्क है, पूरा पेज करना है आपको, देख लीजिए, अच्छे से करिएगा, इसमें से कुछ भी काटिएगा मत, पूरा का पूरा मेरी तरह ही करिएगा, और होने के बाद स्केल से लाइन अगर खींचनी आए सही तरीके से तो ही खींचिएगा, वरना पेज को फाड़िएगा मत। दिख गए चारों प्रश्न? अच्छे से करना, ठीक है? और हाँ, लिखने के बाद दो बार इसको पढ़ लेना ताकि याद भी हो जाए साथ साथ, ठीक है? धन्यवाद।